आपको नमस्कार। मैं आपको सोयाबीन की एक नई वैरायटी एनआरसी 130 के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। इस जोन में जो सेंट्रल जोन कहलाता है, हम सभी लोगों को एक जल्दी पकने वाली वैरायटी की आवश्यकता होती है, और हमारे पास सेंट्रल जोन में केवल दो वैरायटी थी। एक JS9560 थी और एक JS2034 है। JS9560 लगभग 15 साल पहले रिलीज हुई थी, क्योंकि अब बहुत से रोगों से ग्रसित होने लगी है और पिछले दो वर्षों से फार्मर्स को बहुत नुकसान हो रहा है। JS2034 एक बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन इस वैरायटी में लंबाई कम आती है, जिस वजह से फार्मर्स को ये हाथ से काटनी पड़ती है। इन परेशानियों को देखते हुए भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने एक नई वैरायटी NRC 130 निकाली है। NRC 130 में लगभग 15 क्विंटल पर हेक्टेयर की उपज आती है और ये 92 दिन में पक जाती है। और इस वैरायटी की जो फूल होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, और इसका जो पॉड्स होते हैं वो चिकने होते हैं, उन पर रोआ नहीं होता है, और जो हाइलम होता है वो लाइट येलो होता है, यानी आपको उसको सीड को देखेंगे तो आपको हाइलम एक तरह से नहीं दिखाई देगा। और जो इसकी सबसे मुख्य बात है कि इसका जो हाइलम है उसके ऊपर एक छोटा सा भूरे रंग का बिंदु होगा, जो इस वैरायटी को भारत की सभी वैरायटी से अलग करता है, और आप सीड को देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये NRC 130 वैरायटी है। इस वैरायटी में चारकोल रॉट के लिए मॉडरेट रेजिस्टेंस है। तो इतनी जानकारी मैं आपको NRC 130 के बारे में देना चाहूँगा, और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप JS9560 को डिसकंटिन्यू करें, उसको लगाना बंद करें, और JS2034 को, जो अभी ठीक है वैरायटी, लेकिन अगर आप हाथ से काटना चाहते हैं तो उसको लगाएं, और NRC 130 में आप मशीन के द्वारा इसको काट पाएंगे। इस वैरायटी को आप लोग लगाना शुरू करें। नमस्कार।